राधा स्वामी। आज दुनिया दशहरा मना रही है, मुझे नहीं पता क्या मना रही है। मैं कौन सा दशहरा मनाता हूँ वो मैं आपसे आज शेयर करूँगा। मैंने बड़ी कोशिश की, रात भी गूगल पर भी जाकर कोशिश की कि ये दशहरा जो शब्द है इसका मतलब असली क्या है, कहीं नहीं मिला। बस वही है कि ये भारत में एक धार्मिक परंपरा है, इसका दशहरा मनाते हैं जब राम ने रावण को हरा दिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। मैं संत मत में आया, क्यों आया मुझे नहीं पता, लाने वाला ले आया। और संत मत का जो दशहरा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये बाहर के जो दुनिया के, अब मैं सोचता हूँ कि ये युद्ध जो हुआ रावण का राम जी के साथ, वो त्रेता युग में हुआ, आज से करोड़ों साल पहले हुआ होगा, क्योंकि सुना है कि एक एक युग कई कई हजार वर्षों का होता है। और फिर उसके बाद द्वापर युग आया, फिर उसके बाद हम कलयुग में रहने वाले हैं। तो त्रेता युग की बात को आज हम क्यों पटाई करी जा रहे हैं, उसके ऊपर क्यों लगे हुए हैं, क्या है उसमें कुछ खास है तो ढूंढो उसको। मैं उसको ढूंढा कि क्या है ये त्रेता युग, ये त्रेता युग का जो हम हर साल दशहरा मनाते हैं, फिर द्वापर की कुछ एक परंपरा है वो मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई तो राज होना चाहिए ना, ऐसे तो कोई बात है नहीं। तो दाता दयाल की दो लाइनें आपको सुनाता हूँ कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। दाता दयाल जी का शब्द निकालो, दशहरा क्या है, संतों का दशहरा क्या है, संत क्या दशहरा मनाते हैं। ना जाने उस युद्ध में कितने लोग मर गए होंगे जो राम और रावण के बीच में हुआ, कितनी दुनिया मर गई होगी, कितनी औरतें बेवाएं हो गई होंगी, सिर्फ एक बात के लिए कि राजा को खुश करना है, राजा जीत जाए। और फिर वो जीत हुई कैसे, कैसे जीते राम जी रावण को, कैसे जीते ये भी मैं आपको बता दूंगा। रावण तो जीता जा ही नहीं सकता था, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता था, वो इतना विद्वान था और मानते थे राम जी के वो बहुत विद्वान पंडित हैं। आप बात समझ गए, लेकिन पढ़ो एक लाइन पढ़ो। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शिव सब सागर भाग पहला। दशहरा किसको हरा दशहरा, दस को हरा जब फिर दीवाली आ गई। इस बात को पहले समझने की कोशिश करना। कहते रावण के दस सिर थे, ऐसा ऐसा माना जाता है ना, आज ऐसे ऐसे पुतले बनाए जाएंगे जिसके दस मुंह होंगे, होंगे ना, उनको जलाया जाएगा। अब बताइए कि क्या किसी इंसान के दस मुंह हो सकते हैं। मैं तो ब्रह्मा के भी चार मुंह मानने को तैयार नहीं हूँ कि ब्रह्मा के भी चार मुंह होंगे, नहीं, लेकिन बनाया गया। दस क्या है कि वो जो रावण था, हमारे शरीर में दस इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां। बात को समझना, दशहरा मना रहे हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। और वो एक रावण ऐसा इंसान था जिसने दस की दस कंट्रोल की हुई थी, उसके दस की दस इंद्रियां उसके अपने कंट्रोल में थी। और हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, जब हम, क्योंकि उस वक्त तो ये बिजली होती थी, न टीवी होते थे न रेडियो होते थे, तो हम कहा करते थे बापू आज कहानी सुनाओ, तो वो सुनाया करते थे कि रावण इतना महान विद्वान था कि सूर्य उसकी रसोई करता था, हवा उसको पंखा देती थी, ऐसा ऐसा वो हमें कहानियां सुनाया करते थे। अब मेरा दिमाग ये मानता है कि इसका मतलब ये हुआ कि रावण इतना विद्वान था कि सूर्य की जो रोशनी थी उसको सोलर सिस्टम से उसको कंट्रोल किया हुआ था उसने,
वो बहुत विद्वान था, बहुत ऊंचा विद्वान था। तो उसने अपने पांच ये दस कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियों का पूरा कंट्रोल उसके पास था। और जिस इंसान का इन दस इंद्रियों पर कंट्रोल है वो महान पंडित होता है, महान विज्ञानी होता है, महान तांत्रिक होता है, महान यांत्रिक होता है। वो कुछ भी रूप धारण कर सकता है, वो हवा में उड़ सकता है, पानी पर चल सकता है और अग्नि में भी जाकर जा सकता है, वो उसको कोई मार नहीं सकता। बात मेरी समझ गए? युद्ध हुआ, युद्ध तो हुआ, सब कहते हैं युद्ध हुआ, तो रावण मरा कैसे? राम तो मार ही नहीं सका उसको, लक्ष्मण भी मूर्छित हो गया था, उसको भी बचाने के लिए हनुमान को भेजा कि तुम संजीवनी बूटी लाओ, और फिर संजीवनी बूटी को जानता भी कोई नहीं था, उसको जानने वाला कौन था? वो भी लंका का विद्वान था। फिर उसको लाया गया, मेरी बात समझ रहे हो? और कैसे मरा रावण, कैसे मरा? उसके भाई ने राम को बताया कि रावण तुम ऐसे नहीं मार सकते, उसकी जीवन की शक्ति उसकी नाभि में है और तू नाभि में तू तीर मार तब वो मरेगा। क्या कहा? इसलिए आज भी कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। तो हम कलयुग में आज हम रह रहे हैं, वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसको राम नहीं मार सके उसको मरवाने वाला उसका अपना रावण का भाई ही पैदा हुआ, और आज भी वही चीज भारत में चल रही है। क्या कहा मैंने? एक बात तो ये समझो, हमने क्या करना? क्या हम रावण का बुत जलाकर बुराइयां दूर कर देंगे? जितने रावण जलाए जा रहे हैं भारत में उतने रावण और पैदा हो रहे हैं। घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? घर घर में तो रावण है, अपने देश की हालत देख लो क्या हो रहा है। मैं उस त्रेता युग की नहीं बात कर रहा, मैं त्रेता युग को प्रेजेंट में लाने की कोशिश कर रहा हूँ और उस विज्ञान को बताना चाहता हूँ कि वह विज्ञान क्या था। अब आगे चलता, कहते हैं राम जी तो बचपन से ही वैरागी बने हुए थे, उनको दुनिया से कोई मोह नहीं था, वो राजा बनना ही नहीं चाहते थे। और राजा दशरथ को बड़ी चिंता हुई कि ये मेरा बड़ा बेटा है, ये राजकुमार है, अगर राज इसको ना दिया गया तो किसको दूंगा? तो उन्होंने राम जी को विशिष्ट गुरु के पास भेजा, गुरु विशिष्ट के पास भेजा। मेरी बात को गौर से सुनते जाना, विशिष्ट जी के पास जब वो गए राम जी, तो राम को विशिष्ट ने जो शब्द कहे वो मैं कहना चाहता हूँ, ये महाराज परमदयाल जी के मुखारविंद से सुने हुए। पहली बात उनको ये कही कि राम तुम ब्रह्मा के अवतार हो, राम तुम ब्रह्मा के अवतार हो। ब्रह्मा का क्या मतलब है? ब्रह्मा मीन प्रकाश के अवतार हो, आप में प्रकाश है, आप में ज्ञान है, आप योगी नहीं बनेंगे। और फिर योगी कौन बनते हैं? उन्होंने कहा देव देव आलस्य कहते हैं, आलसी कहते हैं देव देव को। ये देवी देवताओं की पूजा करने वाले आलसी होते हैं, तो तुमने ये काम नहीं करना कि तुम देवी देवताओं की पूजा करो। देव देव आलसी कहे, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा। हालांकि मुझे आदेश है कि मैं ना पढ़ूं, मैं कोई अपने मन को पढ़ूं बाकी ना पढ़ूं, लेकिन क्योंकि दशहरा था इसलिए थोड़ा सा चिंतन किया, पिछला दो तीन दिन से चिंतन कर रहा था, तो चिंतन में ये बातें मेरे सामने आई कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ। तो फिर हुआ क्या, वशिष्ट जी ने सारा उसका कारोबार अपने विद्या के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार विधि से उनकी शादी भी करवाई, सब कुछ करवाया, कोई काम छोड़ा तो नहीं ना। लेकिन फिर क्या हुआ, आप खुद जानते हैं कि सीता जी ने लक्ष्मण को क्या कहा।
सीता जी ने लक्ष्मण को क्या कहा जब हिरण देख लिया और सीता जी अपने पति को भूल गई, हिरण के साथ प्रेम कर लिया के लाओ वो बहुत सुंदर है, हिरण को लेकर आओ महाराज, उनको भेज दिया। और सीता ने राम लक्ष्मण को, वो लक्ष्मण जिसने कहते हैं सीता को माता समझा था, बात समझ गए। और वो क्या कहा उन्होंने, जब लक्ष्मण ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, मेरी बात को पकड़ते जाना, मैं क्या कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कोई कथा नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि सीता ने उस लड़के लक्ष्मण को जो उसको माता कहता था उसको ये कहा कि लक्ष्मण मैं समझ गई तेरी नीयत मेरे प्रति खराब है, तो सीता की सारी शक्ति नष्ट हो गई और रावण उसको उठा कर ले गया। हुआ कि नहीं हुआ? अपने वचनों पर ख्याल रखो, कड़वा वचन कभी मत बोलो, ये कलेजा बेद देता है इंसान का। उस वक्त लक्ष्मण के दिल पर क्या बीती होगी मैं अनुमान नहीं लगा सकता, उसके मन पर क्या हाल हुआ होगा, वो गया तो जरूर राम को देखने के लिए लेकिन किस ख्याल से गया होगा, आप उसको अनुभव करने की कोशिश करो। जिसको बड़े कड़वे शब्द कह दिए जाएं, वो इंसान कुछ देर के लिए अग्नि में जलता रहता है, जलता नहीं जलता। इसलिए आज का युग में भी तुम अपनी जबान को नहीं कंट्रोल कर रहे, मनाते जरूर हैं हम लेकिन हम सीखते नहीं हैं, ना जाने क्या क्या हमारे वचन से निकलता है और वो अग्नि लगाता जाता है। इसलिए देश में शांति कभी हो नहीं सकती, कुछ भी देखो जितने मर्जी देखो, आप झूठ है, फ्रेब है, 400 BC है, और वो 400 BC जो कहते हैं राम जी के देश, राम जी का देश है ये किस राम जी का देश है, अयोध्या में जो पैदा हुए। अयोध्या का मतलब क्या होता है, अयोध्या युद्ध, युद्ध के साथ ए आ लग जाए तो अयोध्या हो जाती है, कि यहाँ युद्ध कभी नहीं होता, जहाँ झगड़ा कभी कोई नहीं होता उसको कहते हैं अयोध्या। हिंदी में ऐसा ही है ना, हिंदी का शब्द है कि युद्ध के साथ आ लगा दो तो अयुद्ध हो गया, फिर वहाँ कोई युद्ध नहीं था। और वो राम तो अयोध्या में पैदा हुए, फिर क्यों झगड़े, किस किस बात के झगड़े। तो जो बेचारे पढ़ा कि रामदास के राम मिल जाते हैं तो किस किस राम का दास बने, मुझे ये सवाल पैदा होता है। साधो रचना राम बनाई, ये भी कहा गया है, किस राम ने रचना बनाई। शर्मा जी ने बता दिया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। वो न्यारा जो राम है, वो जो न्यारा राम है वो तुम्हारे घट में भी है, ये मैं कहना चाहता हूँ, मगर तुम उसको घट में ढूंढते नहीं हो, तुम तो उसको तब याद करते हो जब तुम्हें कोई जरूरत पड़ती है दुनिया की, जब तुम्हारी इच्छा कोई पैदा होती है, जब तुम्हारी कोई कामना पैदा होती है, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये, तब तो तुम उसको याद करते हो। जब वो काम हो जाता है फिर राम नाम, फिर कौन पूछता है कौन राम है, तो कौन राम है कौन राम नहीं है, क्या बात करता हूँ। इसलिए दूसरी बात मैंने आपको कह दी, अब आगे चलता हूँ। वो दशहरा जिसके बारे में सोचते हैं कि राम ने दक्ष उसको मार दिया और ये दशहरा मनाया गया, फिर क्या हुआ, कितनी देर हमारी सीता माता कहाँ रही, रावण के आश्रम में उसमें रही, अशोक वाटिका में रही, अशोक वाटिका हो जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, उस पर पहरे लगाए गए, उसको बड़े बड़े लालच दिए गए रावण ने कि तुम्हें मैं ये बना दूंगा, लेकिन वो एक ऐसी औरत थी जिसने सिर को नहीं झुकाया, नहीं झुकाया, नहीं झुकाया, और युद्ध हो गया, सीता जी आ गई। अब सवाल पैदा हो गया, राम जी के दिमाग में ये ख्याल डाल दिए गए कि ये वहाँ रहकर आई है, ये देखो ये पवित्र है या अपवित्र है। तो उस वक्त के संतों, उस वक्त के पंडितों ने, उस वक्त के जो उनके
क्या उतने विद्वान या वजीर थे, अग्नि की परीक्षा ली गई, अग्नि परीक्षा हुई ऐसा कहते हैं। और सीता जी उसमें से पास हो गई, सीता जी पास हो गए और बड़ा आनंद हुआ। राम जी का तिलक भी होया हुआ गया, क्या पता हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं हालात जो देख रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इतने उच्च कोटि के होते हुए भी उनके साथ क्या बीत रही है। फिर केवल एक बात कही गई, किसी धोबी ने कह दिया, अपनी पत्नी को कड़वे शब्द कह दिए। वो कहीं रात रुकना पड़ा अपने रिश्तेदारों के, रात होने के कारण तो कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं रखता, तुम रात, मैं कोई राम थोड़ी हूं कि सीता इतनी देर वहां रही और सीता को उसने रख लिया, मैं नहीं तुम्हें रखता। चलो पहुंच के पास राम जी के पास। अरे राम जी, मैं आपको पूछता हूँ, तुम पहले धोबी को तो पूछो कि तुमने अपनी पत्नी को ये क्यों कहा। तुम अपनी पत्नी को न पूछो बल्कि उस धोबी को पूछो, वे बता तेरी पत्नी ने क्या किया, तू राजा था और धोबन को पूछता तू कहाँ थी बेटी, क्या हुआ आपको, ये कड़वे वचन क्यों कहे गए। लेकिन कुछ नहीं किया, कोई अदालत नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, सीता को ही घर से निकाल दिया। वो सीता जिसका के अग्नि परीक्षा भी हो चुकी थी और वो उस वक्त बेटे को जन्म देने वाली थी, कहाँ शरण मिली उसको, किसने शरण दी, क्या कोई, क्या उस वक्त का कोई और ऋषि नहीं था, क्या कोई ऋषि उस वक्त मर गए थे सारे कि बेटी तुम हमारे आश्रम में आओ, थे ऋषि उस वक्त जंगलों में, कहाँ गए, वाल्मीक ऋषि जी के पास गए, वो वाल्मीक जी के ऋषि में जिसका दुनिया नाम नहीं लेती, उसकी रामायण का नाम नहीं लिया जाता, जिसमें सच्चाई है, हकीकत है। और वहां कहते हैं सीता जी ने एक बेटे को नाम जन्म दिया और हमारे ऋषि वाल्मीकि जी ने उसका नाम लव रखा, लव मीन प्यार, क्योंकि वो राम का प्यारा था, राम का बेटा था। ऐसा मुझे बुजुर्गों ने बताया कि एक दिन स्वामी जी बेटे को छोड़कर हमारी सीता जी गंगा में कपड़े धोने चले गए, पता नहीं कहाँ तक ये बात सीख है, मुझे नहीं पता। तो वहाँ उसको ख्याल आया कि ऋषि जी तो समाधि में चले गए होंगे, मेरा बेटा वहाँ अकेला है। तो चुपके से गई, बेटे को पास उठा कर ले आई और समाधि से जब हमारे वाल्मीकि जी उठे, उन्होंने देखा कि जहाँ बेटा लखाया हुआ था। ओहो, सीता जी ने तो मुझे अभिशाप दे देना, उसका बेटा कोई जानवर तो नहीं उठा के ले गया। कहते उन्होंने कुशा इकट्ठी की, कुशा जानते हैं घास, छोटी छोटी घास इकट्ठी की और उसको रखा, रह कर अंतर ध्यान हुए, पानी का छींटा दिया और कहा, ऐ हमारे मालिक, ये हो गया, चे हो गया, बच्चा दे दो। कुशा का बच्चा बन गया और उसका नाम कुश रखा गया। तो दो बेटे हो गए और उस ऋषि ने उन दोनों बच्चों को क्या ज्ञान दिया, वो बताना चाहता हूं कि जब सीता जी वहां हैं, राज तिलक हो गया, अब कहा गया कि अब आप अश्व मेरे यज्ञ करो राजन, अब आप राजा बन गए हैं। और फिर घोड़ा छोड़ा गया कि कौन पकड़ता है इसको, देखता हूं। उन लड़कों ने घोड़ा पकड़ा, युद्ध हुआ और युद्ध में सबको पकड़ा गया, हनुमान भी बंदी बना दिया गया, लक्ष्मण भी बंदी बना दिया गया, सभी जब लाकर सीता के सामने खड़े कर दिए गए कि माता हमने ये बंदे पकड़ लिए हैं, इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो उसने उनको माफ करवाया। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हमारे देश में ऐसे ऋषि हुए हैं, वाल्मीकि जैसे ऋषि हुए हैं। और फिर उस वो जो रामायण है, मुझे मिली नहीं अभी तक, ना मैं पढ़ता हूँ, सच्ची बात है, मुझे आदेश है किताब नहीं पढ़ना बेटा, तो मन की किताब पढ़, मन की किताब पढ़ने से ये निकल रहा है
कि वो इतना बड़ा ऋषि और उसको लोग कहते हैं उल्टा नाम जपत जाके जाने उल्टा नाम जपत जाने वाल्मीकि बहे ब्रह्म ज्ञाने कि उन्होंने नाम उल्टा जपा उल्टा राम नहीं कहा मरा 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 कहा अरे दुनिया बालो कुछ समझो कुछ अकल करो उल्टा नाम क्या है धारा ऊपर से आई धारा धारा हमारी शुद्ध धारा रूप में आई है और आकर यहाँ ठहरी जहाँ से मन में आई मन से शरीर के आपके अंग अंग में वो है वो राम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तुम्हारे शरीर के रोम रोम में है रमा हुआ है जो हस्ती तुम्हारे शरीर के अंग अंग में रमी हुई है वो राम है इसलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने वाणी में लिख दिया वाणी उनके मुखारविंद से आई सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए सो क्यों सिमरे नानका जो जम्मे ते मर जाए सोई सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए जो सजता है तुम्हारे अंदर भी है मेरे अंदर भी है शर्मा जी सबके अंदर है वो हर जीव में है वो लेकिन उसको पहचाने कौन टाइम ही नहीं है तुम लोगों के पास अपने आप को जानने का टाइम नहीं तुम आंखें नहीं बंद करते हो तुम्हें तो दुनिया अच्छी लगती है तुम्हें तो बाहर का रावण नजर आता है कि उसको जला दिया कि आज आज सत्य की झूठ कर विजय हो गए कहाँ विजय हुई है झूठ तो झूठ ही है जहाँ मर्जी देख लो सब जगह झूठ है और संतों ने कहा साथ बराबर तप नहीं सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पा जाके हृदय सांच है ताके हृदय आ सांच है कहाँ जरा देखो तो सही युधिष्ठिर ने एक एक झूठ बोला युधिष्ठिर जी ने युधिष्ठिर जिसको धर्मराज कहते हैं उसको भी ढाई घड़ी का नरक मिला तो जो हम लोग हैं झूठ तो क्या हेरा फेरी क्या क्या करते हैं हम अपने आप अंदर झांक के देखो हम क्या करते हैं तुम्हें अपने आप से भय लगने लग जाएगा तुम्हें अपने आप से भय लगने लगेगा अपने आप को देखोगे तो कि मैंने क्या किया जिंदगी में क्या किया ये क्यों हो गया कैसे हो गया बात मेरी समझ रहे हो बड़ा जोर है नाम देने का नाम ले लो नाम ले लो नाम भाई वो नाम नहीं वो जहर है जो तुम लोगों को मिल रहा है मैं बड़ी ऊंची आवाज से कह रहा हूं क्यों नाम का अधिकारी है कौन नाम का अधिकारी वो है जिसमें ईर्ष्या नहीं जिसमें द्वेष नहीं जिसमें नफरत नहीं जिसमें कोई किसी के विरोध में क्रोध नहीं है जो झूठ नहीं बोलता जो हेरा फेरी नहीं करता हक हलाल की कमाई करके खाता है वो है नाम का अधिकारी जहाँ तो कोई पूछता दो चीजें पूछते तुम ये तो नहीं खाते ये तो नहीं पीते बस दो बातें बता दो और कबीर साहब ने तो लिखा हुआ है करने लो दीदार महल में प्यारा है कैसे करोगे दीदार पहले बहुत सी शर्तें लगाई हैं उसने शर्तें लगाई हैं कि ये ना करो 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 तब तुम उस दीदार को ले सकते हो नहीं तो नहीं जा सकते अब और आगे चलता हूँ कौन बड़ा हुआ बड़ा कौन हुआ कौन बड़ा हुआ इनमें तुम मुकाबला करके देख लो इस युद्ध में इस दशहरे में तुम करके देख लो दशहरा हमारे अंदर है वो दशहरा हमारे अंदर है वो क्या है कि ए इंसान तू अपनी 10 कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रण में करने की कोशिश कर जब वो नियंत्रण में हो जाएंगी तुम सुन अवस्था में चले जाओगे जब मन भी तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा तो महासुन अवस्था में चल जाओगे तो फिर तुम्हारे अंदर क्या होगा प्रकाश हो जाएगा पढ़ो यही दाई पढ़ो यही दाई अभी और आगे चलना मैंने तुम्हारी दिवाली तभी होगी 20 दिन के बाद मुझे नहीं पता कि 20 दिन क्यों रखे गए भाई कब पहुंचे होंगे कहाँ लड़ाई हुई
कब उनको कहते हैं कि 20 दिन लगे उनको अयोध्या पहुंचने में, तो लोगों ने दिए जलाए, लोगों ने दिए जलाए। आज भी मैंने सुना कि बनारस में 1 लाख दिया जलाया जाएगा गंगा के किनारे, और मास्टरों की ड्यूटी लगी है, टीचर कि तुम दिए जलाओगे, बच्चों को बच्चों की ड्यूटी लगा देती, स्कूल बंद, मास्टर भी बंद, चलो करो ये काम, पढ़ाई क्या करनी, दिए जलाओ। अरे दिल का दिया जला लो जोगियों, दिल का दिया जलाओ, तुम्हें पता चलेगा कोई देश में द्वेष नहीं होना चाहिए, देश में कोई किसी तरह की नफरत नहीं होनी चाहिए। बाहर के दिए तुम्हारी नफरत को दूर नहीं करेंगे, बाहर की आतिशबाजी तुम्हें मानसिक सुख देगी। जो मर्जी करो, मैं नहीं कहता मनाओ, मगर जब तक तुम अंदर का दिया नहीं जलाओगे तुम नफरत करना नहीं छोड़ सकते। जब तक तुम्हें अपना आत्म ज्ञान नहीं हो जाए कि मैं कौन हूँ, तुम दूसरों से नफरत करते रहोगे, तुम द्वेष करते रहोगे, तुम झूठ बोलते रहोगे, और तभी तो मेरे देश का ये हाल है कि हम अब कहाँ खड़े हैं, कुछ समझ नहीं आता। और कहते हैं कृष्ण भगवान ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ, अब मुझे नहीं पता वो कब धर्म आएगा, जब वो राम कृष्ण भगवान आएंगे, वो कौन सा धर्म है। यहाँ पत्नी पत्नी का धर्म नहीं निभा रही, और पति पत्नी का धर्म नहीं निभा रहा, बेटा बेटे का धर्म नहीं निभा रहा, बाप बच्चों का धर्म नहीं निभा रहा, इससे बड़ा और अधर्म क्या हो सकता है। मेरे देश की भी अधर्म, धर्म है कहाँ, अधर्म है। कब आएंगे वो, केवल पांडव के लिए आए वो, केवल पांडव ही उनको अच्छे लगे, हम नहीं अच्छे लगते, हमारा देश नहीं अच्छा लगता। आ जाओ आज भी आओ, आके इस देश की संभाल करो मेरे कृष्ण भगवान जी, क्योंकि मुझे दर्द होता है, मुझे दर्द होता है जब किसी पर तलवार चलती है, मुझे दर्द होता है जब किसी को बेन्यायी के पीटा जाता है, मुझे दर्द होता है, वो मुझे चोट लगती है, मैं इसलिए उसको कहता हूँ है भगवान कृष्ण। और इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है, घरों में शांति नहीं, पति पत्नी को छोड़ रहा है, पत्नी पति को छोड़ रही है, इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। और फिर अग्नि के चारों तरफ फेरे लिए हुए हैं, क्या कहा शर्मा जी मैंने, दुख की बात नहीं, दुख होता है। फिर आंख बंद कर लेता हूँ, छोड़ ये संसार ऐसा ही है, ये दुनिया उसकी है, किसकी, कार और माया की दुनिया है ये, मुझे यहाँ आकर शांति मिलती है। वो कमलिया तू कमी तरफा, ये काल और माया की दुनिया है। राम के समय में भी यही होता रहा, और त्रेता द्वापर में भी यही होता रहा, क्या नहीं हुआ द्वापर में, क्या नहीं हुआ, तो ये तो है ही कलयुग, छोड़ इस दुनिया को छोड़, ये तो नहीं देश तेरा, देश है बेगाना, मेरे दादा दयाल ने लिखा हुआ है परम दयाल जी महाराज को। फिर क्या ख्याल आता है, ये तो नहीं देश तेरा, देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जिगाना, गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया और तुम्हें चिताया, संत मत धार ही तज मो माया, ये माया है इसको छोड़ दे, तब मुझे कुछ शांति मिल जाती है, मैं शांत हो जाता हूँ, क्या कहा मैंने। तो दिवाली कब मिलेगी, पहले तो दशहरा देख लो, अच्छा फिर और सुनो, कहते हैं ये हम तुलसीदास की रामायण को बहुत पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, रामायण श्री रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, रामचरितमानस, राम चित्र के, राम के चित्र का वर्णन किया उन्होंने। और उन्होंने कहते हैं कभी एक दफा ऐसे मंदिर में चले जाए जहाँ भगवान की मूर्ति थी, बंसरी लेकर खड़े, तो उसने सिर नहीं झुकाया, कहता मैं नहीं इसे झुकाऊंगा, मेरे तो इस राम है, मैं नहीं झुकाऊंगा, ये राम बनकर दिखाया। तो कहते वो राम में नजर आ गया उसको, तो बड़ा खुश हुआ, अब सिर झुकाया। अंत में जब ये बीमार हुए, क्या नाम है, तुलसीदास जी बीमार हुए, अतीत बीमार हुए, इतनी तकलीफ हुई कि हाय 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 सारा दिन रात करते रहते थे। तो उनके सेवकों ने कहा, महाराज जी आपने खुद लिखा है कि चित्रकूट के घाट पर
तिल तिल कसत को क्या तुम तिल घसा रहे थे चंदन का, तो राम जी ने आपको तिल कर लगाया, तो राम तो आपके साथ हैं, तो आप उनको क्यों नहीं बुलाते, तुम्हारी तकलीफ दूर कर दे, बुलाना चाहिए था ना। तो उन्होंने कहा कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मैं इस दुख में क्या करूं, मेरी कोई मदद नहीं करता। लिखा हुआ है, माना, मैंने सुना, ये मैं सुना महापुरुषों के मुखारविंद से। तो जिसने इतना ऊंचा उठाया रामचरितमानस को, पढ़ो सही। एक बात कहूं मैं, एक बात गौर से सुन लेना मेरी, जो किसी इंसान ने अपने मन से कुछ लिखा, दूसरों को मोरा बनाया, दूसरों को मोरा मोरा भी जानते एक्टर बना लिया, जैसे महाभारत एक्टर बने हैं ना, वहाँ सारे एक्टर बने हैं, रामायण में भी सब एक्टर हैं। उसको मैं अगर अध्यात्म में ले जाऊंगा तो बहुत दूर निकल जाऊंगा, बहुत दूर निकल जाऊंगा मैं, वो अध्यात्म में ये सारा अध्यात्म है, लेकिन लिखने वालों ने इसको आदमी बना दिया। तो जो रामचरितमानस का जो कुछ भी लिखा कि भरत ने ये कहा, राम जी ने ये कहा, दशरथ ने ये कहा, उसने ये कहा, ये किसने कहा, किसने लिखा, तुलसीदास ने, उसके मन की कड़ थी, राम जी ने कुछ नहीं बोला, राम जी का एक भी शब्द नजर नहीं आता को लिखा होगा। मेरा विश्वास है संतों का वचन सत्य है, संतों ने खुद लिखा और नीचे लिख दिया अपना नाम, कहे कबीर, कहे नानक, कहे दादू, कहे पलटू, लिखा कि नहीं लिखा, अपना अपना नाम लिखा कि मैंने ये बात कही है, क्यों कही है, मैंने ये अनुभव किया है, तब उन्होंने लिखा ये। लेकिन ये जो कथाएं हैं ये हमारा जीवन नहीं बदल सकते। क्या कहा मैंने, और सुना देता हूँ, महाभारत में चल जाता हूँ, महाभारत में चलता हूँ, मैं लंबी कहानी नहीं करूँगा। जब भीष्म पितामह जी शैया पर लेटे हुए हैं, कौन सी शैया, तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं, खून बह रहा है और सभी उनको मिलने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले कहते द्रौपदी गई, द्रौपदी ने जाकर उनको कहा पितामह, मैं आपका बहुत सम्मान करती थी, जब मेरा चीर हरण हो रहा था, बाकी सबने सिर लटका दिए थे, मेरे पतियों ने भी मेरे को छोड़ दिया था, आप तो पितामह थे, आप क्यों नहीं बोले मेरी, आपने मदद क्यों नहीं की, आपने विरोध क्यों नहीं कहा। बात को गौर से सुनना, कहते पितामह ने कहा बिटिया आप ठीक कह रही हैं, मैं तेरी मदद क्यों नहीं कर सका, कारण है उसका बेटी, मैंने दुर्योधन का नमक खाया हुआ था, मैं दुर्योधन का नमक उसके घर का भोजन खाता था, इसलिए मैं नमक हरामी नहीं कर सका, मैं कृतघ्न नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने तेरी मदद नहीं की। कितनी ऊंची बात है, इसको सोचो आप, हम क्या करते हैं। बन गया वो, क्योंकि उस नमक ने उसको बोलने नहीं दिया। हम किस किस का खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्या खाने के बाद उसका भला सोचते हैं, क्या उसके लिए प्रार्थना करते हैं। ओ श्राद्ध हुए, खाया ठीक, दुर्गो ने कहानी सुनाई, बड़ी बढ़िया कहानी सुनाते दुर्ग, कहते पंडित जी श्राद्ध करने गए, बच्चा नाल था, बच्चे ने खाते 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 बीच में पानी मांग लिया, जजमान ने पानी दे दिया, वो पानी देकर चला गया, तो पंडित ने अपने बेटे के थप्पड़ मारा, बेवकूफ पानी क्यों पिया तूने, और खीर खा लेता तो पानी ने जगह नहीं तेरी घेर ली, हाँ क्यों पानी पिया तूने। कहता पिताजी बात को समझो, मैंने पानी इसलिए नहीं पिया कि मुझे प्यास लगी है, मैं खीर को और नीचे बैठाना चाहता था,
फिर एक थप्पड़ और मारा, कहता फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, क्या हमने श्राद्ध करते हैं। सुनो का बात सुनो ध्यान से, मानते हम लीग के फकीर बहुत हैं, चाहे वो त्रेता से भी पहले क्यों ना हो, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। कबीर साहब गए रामानंद जी के पास, उनका बड़ा प्रेम हो गया था, हालांकि कबीर साहब जवाहे और वो बड़े उच्च कोटि के पंडित जिन्होंने नाम दान देने से भी इनकार कर दिया था कबीर को, और फिर कबीर को कितना प्यार किया। कबीर जी गए तो रामानंद जी अपना वो कोई बना रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, कहते महाराज आज क्या बात है, कहते कबीर आज श्राद्ध है, बुजुर्गों का श्राद्ध करना है। अच्छा हो गया तू आ गया, ये ले गड़बू, ये गड़बू ले और गाय का दूध लेके आ, खीर बना ले, ये कथा है, सच्ची कथा है। तो वो कहते गए, चले गए, चलते गए, चलते गए, आगे देखा गाय लेटी हुई है, मरी हुई है, गाय मरी हुई है, बह गए और घास लाए, घास ला कर उन्हें मूल मूल रख देता के ले खा और दूध दे दे, दूध ले जाना है, महाराज जी ने श्राद्ध करना है आज, पर कहाँ गाय तो मरी पड़ी है। तो ब्रह्मानंद जी इंतजार करते करते गए, देखते पे कबीर कहाँ चला गया, कौन सी गाय का दूध लेने गया, तो रास्ते में बैठा हुआ गाय के पास घास लेकर बैठा, गड़बी रखी हुई है। कहते कबीर क्या हुआ, तू दूध में लेकर आया, कहते महाराज गाय तो उठी नहीं है, घास दे रहा हूँ। अरे कहता मुआ ये मुई हुई गाय घास खाएगी, ये तो मर गई है, ये घास कैसे खाएगी। कहता महाराज यही तो सवाल मेरे अंदर पैदा हुआ कि जो ये महाराज जी खीर बनाएंगे कह मरे हुए खा लेंगे, वो कैसे खा लेंगे, खा सकते हैं क्या, मगर हम नहीं हटेंगे, हम तो जरूर पंडित जी को बुलाएंगे, है ना, वह चौका घूरेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, और फिर हम श्राद्ध करेंगे। बात तो चली थी वो विषय बतावा की, फिर गए भगवान कृष्ण। अब अगली बात भी सुन लो मानने वालों, भगवान कृष्ण गए तो हाल पूछने गए, पितामह कैसे हैं, कहते कैसे तो हो गया महाराज, ये बताओ कि ये मुझे किस बात की सजा है, मैं जीवित ही इन शैया के ऊपर तड़फ रहा हूँ, मैंने क्या बुरा कर्म किया है। कहते कर्म प्रधान विश्व कर रखा, कर्म प्रधान है पितामह। कहते कैसे महाराज, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया। तो कहते पीछे देख 100 साल देख, कहते कहते मैं लेटा हुआ पीछे 150 साल देख चुका हूँ जन्म अपना, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि मुझे इतना दंड मिलेगा। कहते नहीं पितामह, एक वर्ष और पीछे चल। जब एक वर्ष और आंख लगाई, एक वर्ष और पीछे गया तो क्या देखता है, झाड़ी कांटों वाली झाड़ी के साथ सांप को मार रहा है, सांप को कांटों वाली झाड़ी से मार रहा है। हालांकि सांप को किससे मारना चाहिए, लाठी से मारना चाहिए, सिर पर मारना चाहिए तो वो मार जाएगा, वो शायद इतना पाप नहीं। जब कांटों वाली झाड़ी मारी जाए तो उसके जख्म हो जाएंगे, वो जोड़ेगा जोड़ेगा, फिर उसको कौन खाएगी, चींटियां खा जाएंगी, तरपा तरपा कर खाएंगी, जीते ही सांप को चींटियां तरपा तरपा कर खा जाती हैं, और सांप पता नहीं कितना श्राप देता है, बात समझ गए। तो कहते ओहो महाराज, पता लग गया कि मैंने 101 वर्ष 101 जन्म पहले सांप को झाड़ियों से मारा हुआ है। बस कहते अब तुमने रियलाइज कर लिया, अब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अब हम सोचो, आप सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, दशहरा भी मनाएंगे और फिर दिवाली भी मनाएंगे, ना हमारा दशहरा सत्य है और ना हमारी दिवाली सत्य है, ये केवल मनोरंजन है, और मनोरंजन के साथ साथ और क्या है, बीमारियां भी लाएंगे, मिठाइयां खाएंगे और उनमें भी मिलावट मिलेगी। कहाँ है सत्य की बात कर रहा हूँ,
आओ हम अपने अंदर के दिवाली मना ले, पढ़ो ये सारा शब्द, पढ़ो ये सारा दशहरा, क्या कहते हैं स्वामी जी। फिर मैं आगे चलूंगा, अभी मैं रुकूंगा नहीं, आज दशहरा है, आज मैं रुकूंगा नहीं, कुछ दूंगा, कुछ बताऊंगा, ताकि तुम्हारा जीवन बदल जाए। तुम्हारा जीवन बदल गया, दशहरा हो जाएगा, दिवाली भी हो जाएगी। अगर नफरत है, द्वेष है, ईर्ष्या है, और मिलावट करते हो, धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, और अपनों को ही धोखा देते हो, तो फिर कहाँ जाओगे। मनाओ जितने मर्जी दशहरे, उतने ही रावण ज्यादा पैदा होंगे। नफरत पैदा करते हैं ना, रावण को मारना, शाम को तीर, किन्होंने मारना, तीर मारने वाले कौन होंगे, तुम खुद देख लेना। वो खुद भी रावण से ज्यादा है जो तीर मारेंगे। और क्या कहूँ मैं, बाबा तीर के स्थान से बोल रहा हूँ, रावण को तीर मारने वाला व्यक्ति रावण ही होगा, तभी बात बनेगी। रावण वो नहीं, रावण जो झूठ बोलता था, धर्म के लिए मरा वो, अपनी बहन के लिए लड़ा वो, अपनी अपनी अपने सम्मान के लिए लड़ा वो, और मारने वाला भीष्म पितामह, जिसे क्या नाम था उसका, उसका भाई का क्या नाम था, विभीषण, विभीषण का बेड़ा गर्क हुआ, घर का भेदी लंका धाए। आगे अब बढ़ो, दशहरा कस को हरा जब फिर दिवाली आ गई, मिट गया घट का अंधेरा और उजाली आ गई। स्वामी जी महाराज ने एक शब्द लिखा है, घोर अंधेरा जग में भारी, तन में तम का भंडारा। जग में अंधेर है 250 साल पहले, और अब और अंधेर और अंधेर और अंदर भी अंधेर। तो मैं क्या बताऊं आपको, मैं कभी कभी ऐसे सीन देखता हूं, जब मुझे भेज दिए जाते हैं, मेरे सज्जन भेज देते, महाराज बताओ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कल एक मेरे को वीडियो भेजा किसी ने, एक सिख साहब गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए, मत्था टेकने गए, तो ज्ञानी जी जो बैठे थे सेवा में, वो उठे चिमटा हाथ में, चिमटा लेकर उनको मारने शुरू कर दिया, झगड़ा हो गया गुरुद्वारे में, और पगड़ियां उतर गई। अरे बाबा, वो मेरे दाता श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हाजिरी में ऐसा काम, क्या वो गुरु महाराज जिन्होंने कह दिया कि मानो गुरु ग्रंथ, सिख गुरु मानियो ग्रंथ, वो क्या अच्छे हैं, मेरे भाई सरदार जी भाई अच्छे हैं क्या, क्या वो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को पढ़ा नहीं, जिसमें लिखा हुआ है एक पिता एक इसके हम बारे, जिस उस महान ग्रंथ के आगे हम सिर झुकाते हैं और अरदास करते हैं, वो तुम्हें क्या हो गया, ऐसे लोगों तुम कहाँ से आ गए, तुम तो गुरु को भी भूल गए, तुम मनमुख हो गए, तुम मनमुख हो गए, तुम्हारे अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, ये है अंधेरा जो हमें पता ही नहीं है, उजाला ही नहीं है उनके अंदर में, उनके अंदर में गुरु बैठा ही नहीं अभी तक, उनको गुरु की वाणी से प्यार नहीं है, जबकि कहा गया वाणी गुरु, गुरु है वाणी बिच वाणी अमृत सारे। इसीलिए संतों ने कहा है कि शब्द को सुनो, वाणी को सुनो, गुरु को मत्था टेकने से कुछ नहीं बनेगा, जो वो कहता है उस पर चलो। इसलिए तो मेरे दादा ने, मैं वहां बैठा था जब 1975 में परमदयाल जी महाराज ने जहाँ से मुझे आदेश दिया, जब मैं कोई किताबों की बात की हवाला दिया, उनका बच्चा तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, तूने मन की किताब पढ़ना है, और मन की किताब पढ़ते पढ़ते पता लगा कि मन तो है ही नहीं है। मन क्या करता, मन कुछ नहीं कर रहा, क्या मेरे मन के ऊपर मेरे शरीर को मन चलाने वाला है, क्या मेरा दिल मन के कहने पर धड़क रहा है, क्या मेरी नब्ज मन चला रहा है, क्या मैं सांस मेरा मन ले रहा है,
क्या मैं रोटी खाता हूँ मेरा मन पचा रहा है? कौन है वो? वो कौन है? वो मेरे अंदर मेरा गुरु है, मेरा सदगुरु है, वो कर रहा है जो कुछ करने वाला है। तो मैं कहाँ गई? इसलिए मेरे सदगुरु ने यहाँ से एक बार कहा, ओ मेरी गई कुआची मैं ते मैनू की होया। अस कबीर साहब ने दावा कर दिया क्या, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। शरीर भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, आत्मा भी मेरी नहीं है, इसकी इसका तो मालिक कोई और है वो। जब वो उड़ जाएगा तो बाकी कुछ नहीं रहेगा। क्या कहा मैंने? लेकिन वो कब पता चलेगा? जब तुम ये करोगे, ये जो लिखा है पढ़ो इसको, पढ़ो। दस हमारी इंद्रियां हैं, पाई है उन पर विजय, उन पर विजय पाओ। आंखों पर कंट्रोल रखो, कान पर कंट्रोल रखो, जुबान पर कंट्रोल रखो, हाथों पर भी कंट्रोल रखो। इस हाथ से काम करना है तो इस हाथ से पूछो कि ये ठीक है ये गलत है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्यों जाना है, उसका भी इंतजार सोचो। तुम तो गुरु को जा अपने इसको मंदिर में माना हुआ है कि वो मंदिर में है, बस वह गए घंटी बजाई आ गए, बस इतने काम है, उसके बाद क्या है? जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, क्या होगा फिर? कहाँ जाओगे? तुम्हारी घंटी ने कोई काम नहीं करना, तुम्हारी बाहर की जोत ने भी तुम्हारा साथ नहीं देना, तुम्हारे बाहर के मंत्रों ने भी कोई साथ नहीं देना। तुम कोई भी काम करो, कुछ भी करो, ऐसा बाहर जो कुछ भी तुम करते हो मन के लेवल पर करते हो, तो मन तुम्हें धोखा देगा देगा देगा। मन से आगे जाओ, वो असलियत तुम्हें मन से आगे मिलेगी। ये बड़ा साथी तो अच्छा है, साथी तो अच्छा है, लेकिन जब ये नीचे आता है तो पाप कर्म करता है। नीचे जैसे उतरेगा ये नीचे की इंद्रियों में, तो ये तुम्हें मिसगाइड करेगा, और इसलिए कंट्रोल करो इसको। इसको सुबह शाम थोड़ा ऊपर का नशा देने की कोशिश करो, ऊपर में घट में जाओ, अपने घट में जाओ, वही अमृत बरसता है। नीचे के अमृत कोई काम नहीं देंगे, वो थोड़ी देर के लिए आनंद देते हैं, बाकी उसके बाद फोकट है, कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ो। दस हमारी इंद्रियां हैं, पाई है उन पर विजय, जीत अंतर पे सूरत, जीत कर अंतर में सूरत, भोली भाली आ गई। अच्छा, अब तुम हमने करना क्या है, अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ। पहला शब्द निकालो, दाता दयाल जी महाराज, जब रावण घायल हो गया, मरने के समय पर आ गया, तो कहते राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण रावण के पास जा, उनसे कोई आप आज्ञा कोई ज्ञान ले लो, वो बहुत बड़े महाज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तुम्हें कोई शिक्षा देंगे, वो शिक्षा मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वो क्या शिक्षा थी? दाता दयाल जी ने एक बहुत प्यारा शब्द लिखा है, कहा बैठे बैठे शर्मा जी आ जाती ना आवाज, मौन काल कहाँ से निकल, जू लगा डूर, दादा का याद किया, दादा आ निकाल, आ निकल आया शब्द, ये शब्द निकला, आपको सुनाने लगा हूँ, सुनते जाना। क्या कहा रावण ने लक्ष्मण को? क्या नसीहत दी? मैं इस स्थान से बाबा की जी के स्थान से आपको कुछ कहना चाहता हूँ, वो तुम्हारा जीवन बदल देगा, वो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाएगा, इस शर्त के तुम उसको सुनते हो, मनन करते हो, चिंतन करते हो और उस पर चलते हो, तब। अदरवाइज नहीं, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। मेरी छोटी सी बात याद आ गई, छोटी सी बात कर लो शर्मा जी, एक मेला लगा हुआ दशहरे का, बड़ा दशहरा, बड़े बड़े तार लगे हुए हैं, वहाँ मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं, वहाँ हमारे भगवान भी बिकते हैं ना, भगवान कृष्ण की ले लो मूर्ति, जितनी मर्जी ले लो,
है ना, सब मूर्तियाँ मिलती हैं। भगवान शिव की मूर्ति ले लो, ब्रह्मा भी मिल जाता होगा कहीं ना कहीं, देवियाँ तो बहुत ही मिलती हैं, क्रंदर बने हुए। तो क्या हुआ, एक मूर्तियों की बहुत सुंदर दुकान लगी हुई है। तो मेरे जैसा आदमी क्या कहता, भाई ये मूर्ति बहुत सोहनी है, ये कितने पैसे? कहता जी 5 रुपए। अच्छा, और ऐ जी इधर है थोड़ी जी बड़ी है, ये कितने पैसे? कहते ये 15 रुपए। कहते ले कमाल है, ये भी वैसी ही है लेकिन ये थोड़ी जी बड़ी है और बड़ी उच्ची है, तू ये 15 रुपए दसते। कहते बाबू जी बड़ा फर्क है। कहता की फर्क दसते भाई, मैं 15 ही लूंगा। उसने एक तिल्ली रखी हुई थी, तिल्ली जानते ना, बांस की तिल्ली, वो जो 5 रुपए वाली थी उसके इधर से डाली, इस कान से निकाल दी। कहते इसके 5 रुपए। अच्छा बहुत बढ़िया, और इसकी 15 रुपए क्यों लेता है? कहता सुनो जी, जब बह जाओ उसे इधर डाली, वो इधर निकले ही ना, इधर नहीं निकले। फिर कहते चल इधर से डाल, शायद इधर को निकले, इधर से डाली इधर भी ना निकले। कहते इसके क्यों मेरे 15 रुपए इस करके? कहता जी बाबू जी ये वो मूर्ति है जेड़ा सुन लेंदी ना, अंदर ही रख दी है, बाहर नहीं जान देंदी, चिंतन करती है, विचार करती है, सोचती है और जीवन को बना लेती है। आओ हम 15-15 रुपए वाली मूर्तियाँ बन जाए, हम 15-15 रुपए वाली मूर्तियाँ बन जाए, 5-5 की ना बनो। इधर से डाला इधर निकाल दिया और दरवाजे के बाहर गए, बाहर थका रोट लंगर खाया, थकार मारिया, चल छोटे भाई क्या फायदा, क्या हुआ? हम तो जहाँ से जब जाते थे 1 महीना नशे में रहते थे। बाबा फकीर का वो शब्द हमेशा दिमाग में गूंजता रहता था, और जब तेल थोड़ा थोड़ा कम हो जाता था फिर दौड़ कर आ जाते थे, फिर पढ़ लेते थे, चलता था जिया, चलता था दिन रात चलता था। अब क्या कहते हैं दाता दयाल जी महाराज, थोड़ा आगे से पढ़ लो, थोड़ा बहुत आप लंबा है ना, 10-15 लाइनें छोड़ दो, पहली लाइन पढ़ना चाहो। आज दाता मैं आज दिन करना, कल की आस न करना। वो कहते हैं जो काम आज का है आज ही कर लो, उसको कल पर मत छोड़ना। विचार करो आज का काम, आज जो आज सांस ले रहे हैं ये कल को वापस नहीं आएगा, वो और जो खाता खुला हुआ है उसी में से आएगा, ये रिपीट नहीं होता, कभी रिपीट नहीं होगा। इसलिए पढ़ते जाओ पापा। आज का काम आज दिन करना, कल की आस न करना, पल पल सांस का आना जाना, पल पल ही जन्म और मरना। पल पल एक सांस कितना टाइम लेता है तुम खुद सोच लो। गया गुरु नानक साहब बाला मर्दाना एक दफा बड़े मजे से गुरु जी से बातें करने लग गए। गुरु जी पूछते बाला तुम मेरी बड़ी संगत करते हो, तू बता आखिरी जब समय आएगा तो कितने सांस लेगा? कहते महाराज बड़ा आपने आज कठिन सवाल कर दिया कि मैं सांस कितने लूंगा, आपकी कृपा चाहिए, आपके साथ रहते हैं, आपकी दया रही तो 5-7 दम तो मैं ले ही लूंगा, मरने से पहले मैं ऐसे नहीं मरूंगा, एकदम नहीं मरूंगा, सांस ले लूंगा मैं क्योंकि आप साथ हैं। अच्छा मर्दाना तेरा की ख्याल है? कहते महाराज शायद आपकी कृपा हो जाए 2-4 मैं भी ले लूंगा सांस, आप जान शीर्ष होने से पहले। तो दोनों ने सलाह की, महाराज हूँ तुम भी दसो महाराज तुम किन्ने सांस लेने, जब छोड़ा छोड़ोगे तुम तो काफ़ी देर रह सकते ना? कहते पहला मर्दाना मैं तो ये भी नहीं जानता जोड़ा सांस गया वो वापस आना भी कि नहीं आना, तुम तो 5-10 की गल करते हैं, मेरे को तो इन्ना भी सांस नहीं है, मेरे पास इन्नी भी ताकत नहीं है कि जो सांस चला गया तो दारा आ जाए, नहीं आएगा, मैंने तो इन्ना पता भी चला गया उन्हें नहीं आना नहीं है। यही बात मैं सब स्वामी जी महाराज दाता दयाल जी महाराज कह रहे पढ़ते जाओगे।
पल में उपजे पल में दिन से पल माला दोहारा पल का स्वारत पल पल मारत काल का पल संहारा। हर पल हमारा जीवन बदल रहा है, कभी खुशी है कभी गमी है, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं, कभी घाटा पड़ता है कभी नफा होता कि नहीं होता, ये सारा पल पल का हमारा जीवन है। चलो आगे। आज कहे मैं काल करूंगा भक्ति भाव सत्संगा, कल को आज काल के बीच ही प्राणी काल का भया कुसंगा। कहते हैं कि आप कभी सोचते हो कि चलो आज की जान सत्संग कल को चलेंगे अगले इतवार चलाएंगे, अपनी गल है ना, आज की कर जाना, आज तक दशहरा है चलो आज बाजार चलाएंगे, ठीक है ना। तो कहते तुम लोगों का तो मन ऐसा है चंचल कि तुम अपने आप को सोचते नहीं कि तुम कर क्या रहे हो, पल में कुछ करते हो, पर ठहरो ठहर जाओ फिर कर बैठो, फिर होता बैठ गया, मैं रोटी नहीं खानी जब तक तो ना भगत कहता पहला तू निकलेगा तू मेरा खाएगा तो मैं रोटी खानी नहीं तो नहीं खानी, बैठ गया आना पे आ गया ना उन्होंने। फिर हालांकि मैं उसको भगवान नहीं मानता जो निकला था, वो उसका अपने मन ही था, बात समझ गए। फिर कर बैठो हर जन प्यारे सतगुरु तुम्हारे का सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की प्याज रखी करता रहे। गुरबानी है ना, दुष्ट दूत भी मर जाते हैं, तुम्हारे विरोधी भी मर जाते हैं, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्या कहा, मगर तुम फिर होकर गुरु के बनकर बैठ जाओ। अगर तुम चाहोगे कि मैं ये करूं फिर तो तुम अपने आप में बैठे हो, तुमने उसको डोरी पकड़ाई नहीं अपनी डोरी उसको दे दो बस। अगर तुम्हें कोई बुरा भी कहता तो उसका तुम भला मांगो, हैं फरीदा बुरे दा भला मांग, फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हड़ाए देही रोग न लगे पल्ले सब कुछ पाए। असी ते माड़े जी को बड़ी गल कह रहे, अजी कहने हूं देखांगे तेनों, असी हूँ तेन कोर्ट तक दसांगे छांगे नहीं, तो फिर हमें तो चिंता हर बड़े दिमाग चिंता रहेगी ना, तो चिंता इंसान की चिता में जाती है। मिटा अपने आप को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्द बाजा है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को पहले मिटाना पड़ेगा, अपने अहम को पहले मारना पड़ेगा। इसलिए संतों ने बार बार हमें कहा है कि ये जो मन है इसको समझो, तुम और कुछ ना करो, अपने मन को समझो बस। जिस दिन तुम्हें अपने मन का पता लग गया कि ये मन और है मैं और हूँ, मेरा शरीर और है मैं और हूँ, मेरी आत्मा और है मैं और हूँ, ले गल बन गए, क्या कहा मैंने, फिर तुम्हें घर छोड़ने की तकलीफ नहीं होगी, बात समझ गए ना। क्या जाने क्या पल में होगा काल का छोड़ा बहाना, जो कोई आज करे गुरु संगत वही है पुरुष सियाना। कौन है जो गुरु की संगत करता है, जो गुरु वाणी को सुनता है ध्यान से, वो ही सियाना पुरुष है। जो कहीं और जाता है कोई और करते खाता फिरता है, वो गुरु का गुरुमुख नहीं हो सकता। गुरुमुख वो है जो गुरु की वाणी पर चलता है, वो है गुरुमुख। आगे कथा सुनो एक अद्भुत न्यारी बड़े बुद्धि चतुराई नहीं भरोसा सुना वहा
कोई ध्यानी दे शिक्षा कुछ नीति सिखा जा शिष्य भाव ले आया राम ने तेरे पास है भैया राम ने तेरे पास है भेजा कर कुछ मुझ पर दाया। आखिरी 10-15 लाइनें पढ़ो जहाँ राम लक्ष्मण के पास भेजते हैं उनके रावण के पास भेजते हैं। काल कर काल भ्रम है काल है धोखा काल महा दुखदाई करना हो तो आज करो तुम काल की आस भुलाई मैं तो काल के धोखे आया अपना काम बिगाड़ा आज काल में अवसर बीता सिर पर काल करारा इच्छा थी सागर को मत कर मीठा उसे बनाता स्वर्ग लगा कर सीढ़ी ऊंची जीव तहां पहुंचाता। जहाँ से उसको कहते वो पढ़ो इसी में है ना राम जी लक्ष्मण को रावण के पास भेजते हैं वो लाइने पढ़ो वो मैं पढ़ रहा था मेरे पास ला वही मैं पढ़ रहा था ये दे शिक्षा कुछ नीति सिखा जा शिष्य भाव ले आया राम ने तेरे पास है भेजा कर कुछ मुझ पर दाया रावण हंसा देर से आए मैं क्या भेद बताऊं। अब राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को भेजा उस वक्त जब के रावण श्री छोड़ने वाले थे कि जा उनके पास कुछ शिक्षा ले वो शिक्षा रावण क्या देते हैं वो मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ रावण हंसा देर से आए मैं जा भेद लखाऊं काल सिकाई सिर पर राजा नीति आज क्या गाऊं। आप बहुत देर से आए हैं कहते मेरे सिर पर अब काल गाज रहा है अब मैं तुम्हें क्या बताऊं फिर भी आप आए हो तो सुनो आगे एक बात तुम सुन लो मुझसे मन में सदा विचारो आज का काम काल नहीं छोड़ो आज ही काम सुधारो। आखिरी बात क्या कही रावण ने कि आज का काम आज ही कर लो आज का काम कल पर मत छोड़ो और आज का काम शाम पर मत छोड़ो शाम का काम अभी कर लो ये कहा उन्होंने। अब बताइए जो आदमी अपने काम की इतनी कदर करेगा वो जिंदगी में कभी असफल होगा वो तो पल पल की अपनी किस्माई को प्रेरित कर। मेरे प्रोफेसर होते थे बहुत वो मैं उनको प्रणाम करता हूँ प्रोफेसर जयदेव साहब हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे SG कॉलेज में। तो एक बार उन्होंने बताया बच्चों बात सुनो ध्यान से बड़ी हमारे से प्यार से बोलते थे बच्चे कहते समय एक इंसान की तरह है और तुम्हारी तरफ दौड़ा आ रहा है और उसके सिर पर कोई बाल नहीं है बिल्कुल कोई बाल नहीं है कोई कपड़ा नहीं है जिसको तुम पकड़ लो उसके यहाँ एक बोती है यहाँ माथे में बोती है बस यहाँ अगर आपने उसको यहाँ से पकड़ लिया तो वो तुम्हारे काबू में आ जाएगा अगर वो निकल गया तो तुम्हारे काबू नहीं आएगा बात समझ गए। तो टाइम की कदर क्या कितनी है कि हर पल जो हमारी जिंदगी का है इसको जाया नहीं करना है और यही बात रावण ने राम को लक्ष्मण को कही। हालांकि राम भी बहुत बड़े अवतार थे वो कह सकते थे लेकिन उन्होंने फिर भी इतना शत्रु होते हुए भी
रावण शत्रु है, अपने भाई को उसके पास ज्ञान के लिए भेजा। आज क्या है, आज जो शत्रु को छोड़ते नहीं है, कोई बात नहीं लेते, जाने दो, जो होता देखा जाएगा। क्या कहा, कहते राम, क्या कहते हैं राम, तो लक्ष्मण कर जाओ बच्चा तुम, वो महाविद्वान है, उनके पास अब आखिरी कोई ज्ञान ले लो। और ज्ञान ये बताया कि मैंने समय बहुत बर्बाद कर दिया, वो कहता खुद मानता है कि मैंने समय काम पर प्रयोग नहीं किया और अब तो मेरा आखिरी समय आ गया है, फिर भी आप आए हो। और जाते ही लक्ष्मण जी सराहने खड़े हुए, पहली बात तो ये है अहम था ना उसमें कि हमने तो इसको हरा दिया, लेकिन उसने इशारा किया, राम ने इशारा किया कि नहीं पाँव में खड़े जाओ, उधर जाके खड़े हो सामने, आशीष आजिज बनो, आजिज बनो, बेनती करने वाले बनो। तो फिर लक्ष्मण उनके चरणों की तरफ गए, तो फिर उन्होंने ये बात कही, ये दाता दयाल जी महाराज का प्रमाण दे रहा हूँ, आगे पढ़ दो। आज कहो सर मिला है तुमको, काल की क्या है आशा, जो काल का बंधन काटे, काल से रहे उदासा। मैं तो काल के धोखे आया, अपना आज काल में अवसर बीता, सिर पर काल कया। अब बात खत्म हो गई, मैंने आज आपको बहुत कुछ कह दिया, वो कहा जो मैंने समझा, हो सकता है मैं गलत हूँ, दावा नहीं करता शर्मा जी, दावा किस बात के करना, लेकिन प्रमाण मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं कि कड़वा वचन जो है ये बड़े बड़े युद्ध करवा देता है। और फिर अगर हम मन के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर कुछ लिख देते हैं, किसी को गुड्डी चढ़ा देते हैं, तो गुड्डी चढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी, क्योंकि मन के लेवल पर तुम बोल रहे हो। ये वाणी जो संतों की है, ये कहाँ से आती है, धुर की वाणी आई जिन सगली चिंतन उठाई। संतों ने जो लिखा वो लिखा जो उनको ऊपर से आया, जब वो समाधि में गए, समाधि से उठे, तो उन्हें कुछ बोला, वो जो बोला वो उनके मुखारविंद से आया, वो दुर्धाम से था। इसलिए जब महाराज जी यहाँ इधर से स्नान करके, इधर ये छोटा कमरा, ये कमरा होता था, ये दरवाज़ा होता था, उस दरवाजे से आए, ये दरवाज़ा नहीं था, तन्हा कर इस कमरे, इस दरवाजे से आते थे और फिर अपने स्थल पर बैठकर चादर लेकर समाधि में चले जाते थे। 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद जब वो नीचे आकर फिर पंडारो माता को कहते, पंडारो कोई शब्द पाया, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते थे वहाँ से, फिर उनके वचन आते थे और उन वचनों को हमने सुना है नहीं उनको गुना है, गुना नहीं उन पर चिंतन किया है, चिंतन नहीं किया उनको उतारा है अपने आप में, और जो उन्होंने आदेश दिया उसका पालन किया है, जिसके कारण मैं आपकी सेवा में बैठा हूँ। मैं जो कहता हूँ मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ इतना है कि तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हारे मन साफ हो जाए, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए, तुम्हें असली दशहरे का पता लग जाए और तुम्हें असली दिवाली का भी पता लग जाए कि वो दिवाली भी तुम्हारे अंदर है और वो दशहरा भी तुम्हारे अपने अंदर है। ये मन ही तुम्हारा रावण है, ये मन ही तुम्हारा राम है। जब नीचे को आएगा तो ये रावण बन जाता है, जब ऊपर को जाता है तो ये राम बन जाता है। एक ही बात है, दो बातें हैं ही नहीं, उसको समझने की कोशिश करो और घरों में शांति लाओ, घरों में प्रेम लाओ। मेरे एक सज्जन, कल एक बेटी का मुझे फोन आया, बहुत ऊंची पदवी पर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, दोपहर को फोन आया 3:30 बजे, बाबा जी मैं बहुत परेशान हो गई, मैं आपसे टेलीफोन नहीं कर सकी, बहुत चाहती हुई भी टेलीफोन में, तो क्या हुआ बेटी, उनका पति बीमार हो गया, वो भी मेरा बड़ा प्यारा बेटा दीपक उसका नाम है, क्या हुआ, कहती रात को उनको पता नहीं क्या हुआ, एकदम
पसीना आया और शरीर ठंडा होने लग गया। उस बहुत ऑफिसर बड़े हैं, वो एकदम उनको डाला और उनको हॉस्पिटल में ले गया, उन्होंने ECG किया, सब कुछ देखा, उन्होंने कहा हार्ट तो बिल्कुल ठीक है, हार्ट में कोई कमी नहीं, ECG भी कर लिया, एंजियोग्राफी भी कर दिया, फिर अल्टीमेटली कहा कि इनकी किडनी में डिफेक्ट आ गया है, किडनी खराब हो गई है, 25% है। तो फिर अपोलो में ले गए, अपोलो ने भी इलाज किया उन्होंने। चलो बात आई चली गई, थोड़ी देर के बाद मैंने चिंतन किया, फिर मैंने पूछा बेटी मुझे ये बता कि दीपक को रोटी के साथ एक्स्ट्रा नमक खाने की आदत तो नहीं थी? कई दफ़ा हम सोच लेते ना अचार दे दो, अचार खा ले, रोटी स्वाद लगी थी जरा, अचार ना बड़ी रोटी स्वाद लगती है ना, नमक होता ना ज़्यादा, तो वो ज़्यादा हमारी किडनी पर असर करता है। बेटा बता मुझे, ऐसा तो नहीं है? कहती महाराज जी कभी ऐसी का, हम तो नमक भी बहुत दूसरा खाते हैं, सीधा नमक खाते हैं, हम तो तेल भी कोई रिफाइन नहीं खाते, बड़ा कुछ बताया उसने मुझे। मैंने कहा फिर कारण क्या है, तुम इतने नेक हो, दो नौकरियाँ भी हक्का लाल की कमाई करते हो, पूरे दिल से तुम मेहनत करते, इतने ऊँचे पदों पर बैठे हुए हो, मैं इस बात के ऊपर चिंतन करता हूँ कि बीमार क्यों हुआ। फिर उससे मेरे साथ भी बात हुई बेटे की, मैंने उसको थोड़े बातें बताई, तो आज हमारे खाने में बीमारियां हैं, आपको बता देता हूँ, हमारे खाने में बीमारियां हैं, इस करके खाना थोड़ा खाओ, सोच समझ के खाओ, अच्छी चीज़ खाओ, ये मिठाइयां तो बिल्कुल घर में लाओ नहीं, बात समझ गए, मैं मिठाइयां क्या है उनमें डाला हुआ, क्या पता क्या नहीं डाला हुआ, उससे बढ़िया एक सेब खा लो, एक केला खा लो, अब ये भी पता नहीं है कि सेब को भी कैसे उन्होंने रंग दे दिया, बिल्कुल पता नहीं। मैं चंडीगढ़ में दिल्ली से शिमला से आ रहा था, बड़ा भारी दुकान लगी शर्मा जी, मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोक में सेब देखते हैं, तो रास्ते में उनका नौकर बैठा, मालिक को अंदर चला गया ना, कहना बाबू जी जेडे बहुत रंगीन है कितने वो ना ले लेना, उन्होंने सारे रंग देते हुआ वो तो नौकर ने मैंने दसता, पता नहीं क्यों दसिया, कहने अंदर जेड़े भी लगे हो ना सेब बड़े बड़े लाल 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 वो रंग दिते हुआ, कहना रात दे उन्होंने ना ले लो कितने, मैं बाहर आ गया, मैं कसी लेने ही नहीं, मुंडे वाले लेना के महंगा ले लेंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की करूं, सत्संग में जा तेरे भले की कहूं, गुरु की बात मान तेरे भले की कहूं, घर में शांति रख तेरे भले की करूं, शरीर की रक्षा कर तेरे भले की करूं, मन को सुबड़ा साफ कर तेरे भले की कहूं, सुखी रहो सुखी रहो, मालिक आपकी मनोकामना पूरी करे, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, अच्छा सोचो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, मैं आप सबका भला चाहता हूँ और आप सबको प्रेम बड़ी, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी।